नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अभी पोस्ट में आया था तो यहाँ का काम हो चुका है और अब ये कैमरा मैं अपने मोबाइल होल्डर में लगा के शूटिंग कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा मोटो ब्लॉग होगा आज के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं खड़कवासला की साइड में जा रहा हूँ, यानी कि पूना बेकरी में मुझे जाना है और वहाँ से कुछ डोनट्स खरीदने हैं। तो ये डोनट लेने के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं अभी काफ़ी ट्रैफिक है। तो यहाँ पर ट्रैफिक में से गाड़ी निकालना मुश्किल होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो ये एक छोटा सा मोटो व्लॉग होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर पेट्रोल भी भरवाना है, तो मैं पेट्रोल भरूंगा और आगे पूना बेकरी में जाऊंगा। तो अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो कार्स के बारे में या कोई भी बाइक्स के बारे में, ट्रैवल के बारे में, तो ये चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो इस मोटो व्लॉगिंग के बाद एक वीडियो जो आने वाला है तो वो इस मोबाइल होल्डर पे ही आने वाला है। तो इस मोटो व्लॉग के लिए मैंने यहाँ पर कैमरा सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि आपके राइट कॉर्नर में, स्क्रीन के राइट कॉर्नर में एक छोटा सा गोल दिखाई दे रहा है। तो ये गोल मुझे हटाना है। टेक्निकल बातें बहुत हो चुकी, अब आप देखिए कि कितना खूबसूरत रोड बनाया है यहाँ पर क्रिकेटवाड़ी ग्राम पंचायत ने। और ये हालांकि अभी कॉरपोरेशन में आ चुका है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में CWPRS है, राइट साइड में इनका मेन ऑफिस है। ये पूरा ऐसा ही सीमेंट का रास्ता बनाया गया है और यहाँ पर गाड़ी काफ़ी तेज़ जाती है, लेकिन मैं इतना तेज नहीं जाता हूँ क्योंकि बीच से कुछ भी आ सकता है, इसलिए इस रोड को भी मैं स्लो ही रखता हूँ गाड़ी। तो आगे देख सकते हैं आप सिंहगढ़ फोर्ट है, 17 किलोमीटर दिखा रहे हैं और पांचेत है 26 किलोमीटर। पांचेत एक डैम है पूना में का, जो बहुत बड़ा डैम है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसके आगे थोड़ा सा रोड कच्चा है, हालांकि बनने में लगा हुआ है। कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से ये इतना पार्ट पेंडिंग है, लेकिन इससे आगे काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतना मस्त रास्ता बना हुआ है और मैं अब पूना बेकरी की तरफ पहुंचने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में CWPRS का मेन गेट है, तो यहाँ पर उनका ऑफिशियल वर्क चलता है। तो ये नेशनल वाटर एकेडमी है NWA, और इसे CWPRS भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप आगे देख सकते हैं सब जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है और मेरी पूना बेकरी भी आ चुकी है। तो मैं अब पूना बेकरी में कुछ डोनट्स खरीदने जाने वाला हूँ और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं आगे। मेरा हालांकि एक प्लान रह गया जो मैं आगे और कंप्लीट करने वाला हूँ, तो चलिए पूना बेकरी में जाके मैं लेके आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 चॉकलेट डोनट्स लिए, उसके बाद में 2 पैटिस लिए और यहाँ पर एक गार्लिक ब्रेड। तो ये आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है, मैं इसे दबा के दिखाता हूँ तो देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी। तो चलिए अब पेट्रोल भरने चलते हैं। तो देखिए दोस्तों काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए और मैं अब जा रहा हूँ पेट्रोल भरने। और ये कुछ ऐसे पागल लोग सामने आ जाते हैं, पूरी तरह से उल्टे साइड से आ जाते हैं।
यहाँ पर रास्ता काफ़ी छोटा है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। तो कैमरा एंगल थोड़ा मैंने ठीक कर लिया है। और हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पर। तो दोस्तों यहां पर हमने पेट्रोल भर लिया है और हम अब घर जाने वाले हैं। तो मैं चला घर। तो चलिए, हम लोग रास्ता क्रॉस करके आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग खड़कवासला घूमने किस लिए आते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है आजू बाजू में, लोग पागल हो जाते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत है और नेचर के बहुत ही करीब है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही फ्रेश लगता है। को पूरा देखिए और आप मुझे बताइए कि आप कहां पर जाना चाहते हैं, क्योंकि 16 तारीख को मैं तिरुपति जाने वाला हूं। तो यहां पर एक और ट्रिप की वीडियो कुछ ही दिन में आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और मैं पुणे से तिरुपति फ्लाइट से जाने वाला हूं, तो यहां पर आपको एक अच्छी खासी वीडियो मिलने वाली है। हो सके तो पुणे एयरपोर्ट से कुछ शॉट्स लूँगा मैं, क्योंकि पुणे एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कुछ निकाल लेते हैं, क्योंकि वो डिफेंस एयरपोर्ट है और बाकी सब सिविल एयरपोर्ट्स हैं। तो उसकी वजह से कुछ फोटोज़ पे पाबंदी लगती है वहाँ पर, लेकिन तिरुपति को जाते ही मैं अपने कैमरा से कुछ अच्छी खासी तस्वीरें लेने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आगे इस मोबाइल होल्डर पे एक वीडियो ज़रूर आने वाली है, क्योंकि मैंने पोल डाला था तो उसमें मैक्सिमम वोट्स इसी वीडियो के लिए आ गए हैं। तो टाइम मिले तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लीजिए आप चैनल पर जाकर। दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको नांदेड़ सिटी दिखाई देती है, आप देख सकते हैं बोर्ड, और ये काफ़ी बड़ी और बहुत ही खूबसूरत सिटी है। तो ये कुछ पुणे के और सिंहगढ़ रोड के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं मेरे आगे एक इंडिका है और वो काफ़ी पुरानी लग रही है। उसका नंबर भी, मतलब रजिस्ट्रेशन से मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही पुरानी गाड़ी है और MH02 की गाड़ी है। पूरा सस्पेंशन बैठ चुका है इस गाड़ी का, फिर भी गाड़ी में जान है और ये भाग रही है मेरे आगे। आप देख सकते हैं इसकी हालत, मैंने काफ़ी स्लो किया है इसके लिए, आप लेफ्ट साइड में देख लीजिए। यहाँ से क्रॉस करना कुछ मुश्किल नहीं लगता अगर आपके पास कार हो तो, पर अगर टू व्हीलर पे हो आप तो ये जान जोखिम में डाल के क्रॉस करने के जितना खतरनाक है, जान जोखिम में डालनी पड़ती आपको, क्योंकि चारों ओर से बसेस और बड़े बड़े गाड़ियाँ आते रहते हैं और वो ब्रेक लगाते ही नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेयर रिक्शा मिलते हैं घर तक जाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि शेयर रिक्शा में कितने लोग भरे हैं। ये है 3 सीटर रिक्शा
लेकिन इसमें कम से कम 5 से 6 लोग भर के जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत पहले भी कहा था 2-3 वीडियोस में कि क्लच का कम से कम यूज़ कीजिए, खाली गियर बदलने के लिए ही यूज़ करना है आपको क्लच, क्योंकि अगर आप ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जा रहे हो और आपकी आपका पैर क्लच पे अगर हो बहुत देर तक, तो उसकी वजह से आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है। और गियर पे आप बहुत सारे लोग हाथ रख के गाड़ी चलाते होंगे, तो ऐसा भी मत कीजिए, क्योंकि गियर पे जब आप हाथ रेस्ट करते हो तो उसके वजह से गियर के जो अंदर के गियर्स होते हैं, गियर लीवर के नीचे जिसमें दांत, जिसे दांत भी बोलते हैं गियर के, तो ये दांत पूरी तरह से घिस जाते हैं ऊपर के ज़्यादा प्रेशर की वजह से, और उसके वजह से आपको जल्दी गियर चेंज करने पड़ते हैं या गियर का काम करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ऐसा ना कीजिए और अपने गाड़ी को और कुछ सालों तक ऐसे ही मिंट कंडीशन में चलाइए फिर। और कुछ थोड़े दिनों में मैं इस कैमरा का जो होल्डर है, मोबाइल का जो होल्डर है, तो उसे एक अच्छी जगह पर माउंट करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अगर नीचे इसकी सही पोजीशन, आपको अच्छी पोजीशन अगर पता हो कहाँ लगाना है ये वाला स्टैंड, तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं उस जगह पे लगाने की कोशिश करूँगा। और हम यहाँ से नीचे आ चुके हैं, ये मेरे घर का रास्ता, और यहाँ पर ट्रैफिक कम है लग रहा है, तो मैं अब घर जाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं राइट में मेरा बोर्ड है और यहाँ पर मेरी स्कूटी खड़ी है, तो यह है राइट का मेरा शॉप, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं दूसरा नंबर का शॉप मेरा है और मैं अब घर जाने वाला हूँ। तो चलिए मैं पहुँच चुका हूँ घर पे और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे जो सवालों का जवाब दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि मेरी मोबाइल वीडियो जो आने वाली है मोबाइल होल्डर पर, तो उसके बारे में आप एक भी डिटेल मिस ना करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।